अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे हाउ टू ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज इन योर गिग ऑन फाइवर। पिछली वीडियो में हमने पैकेजेस के हवाले से सीखा, तो आप समझ चुके होंगे कि पैकेजेस को कैसे सेट करते हैं। आज हम सीखेंगे एक्स्ट्रा सर्विसेज के बारे में। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैकेजेस के नीचे से, जैसा कि सब्सक्राइब फार, मतलब इस तरीके से करके आपके शो होती है, इसका मतलब होता है कि वो चीज़ें जो आपके पैकेजेस में नहीं है लेकिन ग्राहक या क्लाइंट चाहता है कि मुझे चीज़ें चाहिए, तो आप उसको एक्स्ट्रा दे देते हैं और उसके एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, चाहे $5 हो या 50 या 500, वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। और जो क्लाइंट है, जो चाहता है, वो आपको इन पैसों को देगा तो आप काम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। इसका ये बता दूँ कि ये होता है कि अगर ये देखें, हमने जो अपना ऑर्डर है ना, ये देखें, हमने अपना रखा है ऑर्डर, जो उसकी डिलीवरी टाइम है, हम अपने प्रीमियम ऑर्डर की डिलीवरी टाइम 5 दिन दे रहे हैं। यानी कि अगर हमें एक बंदा ऑर्डर देगा तो इस वाले ऑर्डर को हम 5 दिनों के अंदर अंदर उसको भेज देंगे। लेकिन अगर वो चाहता है कि ये ऑर्डर जो है वो 3 दिनों में रिसीव करें, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि प्रीमियम ऑर्डर अगर वो 3 दिनों में लेना चाहता है तो इसके हमें वो $10 अलग से देगा। अब इसकी प्राइस है तकरीबन जो है ना वो $35 और डिलीवरी है 5 दिन, लेकिन अगर वो 3 दिनों में लेना चाहता है तो वो हमें 35 की बजाय $45 देगा। इसी तरीके से अगर स्टैंडर्ड है, वो जो 2 दिनों में लेना चाहता है, सॉरी इसकी तो है ही 2 दिन, अगर ये 1 दिन में लेना चाहता है तो इसके भी हमें जो है ना वो $10 देगा। देखें, अब इसकी प्राइस है $15 और डिलीवरी टाइम है 2 दिन, लेकिन अगर वो 1 दिन में लेना चाहता है तो हमें $25 देगा, और जो पहले वाला है वो तो है ही 1 दिन में, इसलिए हम उसकी ऐड नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से 3 की बजाय 2 दिन रख सकते हैं, प्राइस 10 की बजाय 5, 5 की बजाय 50 भी रख सकते हैं, लेकिन डिपेंड है कि आपका काम इतना अच्छा, कोई क्लाइंट खरीद ले। उससे नीचे वाला आता है एडिशनल पेज, क्लिक करें और देखें। एडिशनल पेज का मतलब होता है कि हमने ये देखे यहाँ पर बोला है कि हम बेसिक में सिर्फ 2 पेजेस बना करके देंगे, इसमें 4 और इसमें 6। अगर आप यहाँ पे लिख दें कि अगर आपको वैसे ही वेबसाइट में पेजेस की ज़रूरत है, तो ये देखें हम पेजेस आपको 15 बना करके दे देंगे, लेकिन उसकी उसका जो है ना ये देखें हिसाब किताब, अब अगर हम यहाँ पे दिन लगाएं तो 2 दिन लगेंगे, ठीक है। और उसकी प्राइस भी आप ये देखें इसके हिसाब से रख सकते हैं। जैसा कि हमने बोला कि एडिशनल अगर आपको पेज चाहिए तो उसके 2 दिन लगेंगे और हम $15 की बजाय $20 कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको एडिशनल पेज चाहिए तो। अब हम इसको लगा देते हैं। इसके बाद है कंटेंट अपलोड। अगर आपने कंटेंट अपलोड करवाना है तो उसके हम अलग से $5 लेंगे और 1 दिन लगेगा। ये पैकेजेस से हट के अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ कंटेंट अपलोड करवाना है या सिर्फ कुछ भी करवाना है तो वो हमें दे सकता है। इस तरीके से अगर आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मतलब बनवाना चाहते हैं तो उसके हम $10 लेंगे और उसका दिन जो है वो 1 रख देंगे, ठीक है। ये समझ लें ये इजाफी चीज़ें, अगर वो आपको पैकेज नहीं भी ख़रीदता तो ये ख़रीद सकता है तो आपको फ़ायदा होगा। इसके हवाले से एडिशनल प्लगइन्स, ये भी हम 10 लेंगे और 1 दिन में। ये सारा जो है ना ये एक्स्ट्रा डिलीवरी, ये भी आपकी जो डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। इसके बाद लास्ट में स्टॉक फ़ोटो, तो ये यूज़ कर सकते हैं स्टॉक फोटो और सिर्फ $10 में, तो ये हम नहीं लगाते, इसका कोई मसला नहीं है। इसके अलावा भी अगर आप ऐड गिग एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखें कि क्या चीज़ है। जैसा कि अगर आप ट्रांसलेशन हैं और अगर आप ट्रांसलेटर हैं, यहाँ पे कुछ नहीं मिला तो आप लिख सकते हैं कि मतलब आप इंग्लिश टू स्पेनिश लैंग्वेज भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसके डिस्क्रिप्शन ये लिख देंगे और उसकी प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल कहेंगे कि ये बहुत मुश्किल है तो हम $35-$40 लेंगे और देंगे भी 2 दिन में, तो आप लगा सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है सो मैं इसलिए नहीं लगाता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है खुद ही रिमूव हो जाएगी, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आज हमने ये सीखा कि हम हाउ टू ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज अपनी गिग में कैसे लगा सकते हैं। तो फाइनली ये सारा कुछ करने के बाद अब हम इन सब को रिमूव कर देते हैं और इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसके साथ ही सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें। तो ठीक है, जब यह सारा कुछ हो जाए तो आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें और आपको दिखाएगा कि यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। तो ठीक है,
फ़िलहाल कुछ एरर है, ये रिमूव हो जाएगा क्योंकि मेरा इंटरनेट ख़त्म है, तो इसके बाद हम इसको आगे लगा देंगे। तो नेक्स्ट वाला हमारा है डिस्क्रिप्शन और FAQ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सीखने के लिए कि सारा कुछ कैसे करते हैं और डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करते हैं, जो सामने आपके वीडियो आ रही है इसके ऊपर क्लिक करें और जाकर के ये वीडियो देख लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।